हसन अली की सिलेक्शन, शायद आफरीदी भी हैरान रह गए। अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी दोहराए आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में। फास्ट बॉलर हसन अली के इंतखाब पर सवाल उठा दिया। मकामी न्यूज चैनल पर गुप्तगु करते हुए साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने बैक बॉलर की जरूरत को तस्लीम करते हुए हसन अली की हालिया कारकर्दगी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जमान खान और मोहम्मद अली इनकी जगह बेहतर ऑप्शन थे। साबिक कप्तान ने कहा कि हसन अली की सिलेक्शन से हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आया कि किस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अलबत्ता उनकी जगह उसामा मीर को शामिल किया जा सकता था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उसामा मीर ने मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी के लिए लेग स्पिनर को हटाने का फैसला आसान नहीं था। हो सकता है कि इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, साहिम अयूब के स्पिन ऑप्शन को देखते हुए उन्हें ड्रॉप किया गया हो। कबल गुज़िश्ता रोज़ दोहराए आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया था, जिसमें फास्ट बॉलर हसन अली और आगा सलमान की वापसी, जबकि उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप किए जाने पर सेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया गया था। दोस्तों, क्रिकेट के मुतालिक अगर आप इसी तरह हर आने वाली नई अपडेट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।